सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम यह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो कोई भी व्यक्ति हो, जब वह किसी भी मुश्किल में होगा तो अवश्य है कि ऐसी बात बोलेगा, ठीक, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, और ऐसा बोलने वालों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 50 उसका 15 पद, और संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस बात को हम ध्यान नहीं देते और परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। यहोवा, जो वचन में कहा है उसको ना करके कुछ और ही गाना गाने लगे हो, मुश्किल में फंसने का कोई और कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन की अज्ञानता का कारण है। परमेश्वर ने जो भी अपने वचन में कहा है उस वचन पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है, अगर मगर लेकिन परंतु नहीं करना है, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। ना तो हमें उसके वचन से कुछ आगे ले जाना है और ना ही कुछ पीछे। जैसे यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही खुद करना है और दूसरों को भी वैसा ही सिखाना है। इस बात पर हम एक वचन पढ़ेंगे यहोशू अध्याय 1 उसका 8 पद, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने हमें अपना वचन इसलिए दिया है कि हम किसी प्रकार से बहकने ना पाए। परमेश्वर का वचन एक प्रकार से हमारा लगाम है, हमें इधर उधर भटकने से रोकता है, हमारा विश्वास मजबूत करता है। वचन का ज्ञान होना हर एक के लिए आवश्यक है। वचन हमारा भोजन है। भोजन का क्या काम है आपको अच्छे से पता है। यदि भोजन नहीं मिलता तो क्या होता है। भोजन से कहीं अधिक महत्व हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम मुश्किल में फंसे रह जाते हैं क्योंकि हम वचन पर ध्यान नहीं देते। हम एक और वचन पढ़ेंगे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, ही आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस वचन को पढ़ने के बाद क्या आपके पास कोई जवाब है जो आप दे सको। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा पूछ रहा है, क्या परमेश्वर ने आपसे अपने वचन के द्वारा ये सब बातें कभी नहीं कही थी। यही सब हमें समझना है कि परमेश्वर कब कहाँ कैसे काम करेगा। तो क्या अब आप विश्वास करते हो कि यहोवा परमेश्वर सदा आपके संग रहता है। आमीन। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।